इंदौर नगर निगम की नई पहल और नागरिकों की जागरूकता से लगातार चौथी बार इंदौर स्वच्छता में अव्वल आया है। इंदौर के लगातार बार बार हर बार नंबर वन बने रहने के पीछे इंदौर नगर निगम की हिम्मत और शहरवासियों की मेहनत छुपी हुई है। वहीं इंदौर देश में स्वच्छता का पंच लगाने के लिए बैकलाइन का स्वरूप बदलने की ओर अग्रसर हो गया है। आप सर कल करवा लेंगे इंदौर में लगातार पाइपलाइन को साफ करने का अभियान चल रहा है, तो सर किस प्रकार से अभियान चल रहा है और आम जनता इस प्रकार से सहभागी कर रही है? सर देखिए, क्या था स्टार्टिंग में जब मैम ने हमारा कमिश्नर मैम ने एक मीटिंग लिया था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था कि गार्बेज आता कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो ये पॉइंट आया था कि ओपन मैदान और उसके बाद बेकलाइंस ऐसी जगह हैं जो कि सबसे ज़्यादा गार्बेज डंप होता है। तो मैम का ये कहना था और इवन संदीप सोनी सर हमारे अपर आयुक्त महोदय हैं, कलेक्टर सर, मनीष सिंह सर, इन सब का एडवाइस था कि अपन अगर बेकलेंस को इनोवेटिव कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और हमेशा आप देखेंगे क्योंकि चार बार ही अपन इंदौर नंबर वन आ चुका है और हम इस बारी पाँचवीं बार के लिए अग्रसर हैं, तो उसमें अपन नया क्या कर सकते हैं। और जनप्रतिनिधि जो जनभाग होता है, पब्लिक इंटरेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। अब जैसे आप ये बेकलाइंस देखोगे, बेकलाइन में अपने जितने भी पब्लिक हैं उनने बहुत क्यूरियोसिटी दी है और उनने जो है डेवलप भी किया है। आप देखोगे अभी यहाँ जितने भी बच्चे हैं यहाँ इसको रंगारोहण कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि पब्लिक खुद कितना चाहती है कि वो कितने अच्छे एरिया में रहें। ये एक वेस्ट एरिया थी जिसको इस तरह से डेवलप कर दिया गया है कि अब बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट चेंज भी हो रहा है जो हमारे कमिश्नर मैम का एक सपना था, ड्रीम था। और दूसरी तरह से ये होता है कि अब क्योंकि आप देखो जहाँ गार्बेज रहता था वहाँ अपन खड़े हैं आराम से, अपने को ये डर नहीं है कि कहीं कुछ पड़ा ना हो, हम क्यों अंदर जाएं। तो ये एक नई सोच है और ये एक्चुअली दिखाता है कि क्यों इंदौर नंबर वन रहा है हमेशा। स्वच्छता संरक्षण में भी इसका फायदा इंदौर नगर निगम को है। बिल्कुल, देखिए पब्लिक इंटरेक्शन है, अभी आप देखें यहाँ जितनी भी पब्लिक हैं इतनी अच्छी है कि हमें खुद आके वो सपोर्ट करती है। यहाँ के जनभागी लोग जैसे हैं, यहाँ मनीष जी हैं यहाँ पे, वो खुद आए कि पब्लिक चाहती है हमें थोड़ा डेवलप करना। हमारी एनजीओ मैम थी रेखा जी, उनने भी लोगों से कोऑर्डिनेट किया और अपन इसको कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ये प्लान बना। हमारे सर लोग ने हेल्प की इसमें, उनका गाइडेंस रहा हमारे ऊपर, फिर उस हिसाब से ये काम हुआ है। आप देखोगे कि इसका बिल्कुल आपके जो स्वच्छता सर्वेक्षण रहेगा इसमें हमें बेनिफिट ही मिलेगा इसका। नगर निगम इंदौर और शहरवासियों ने मिलकर करीब 113 बैकलाइनों की हालत को पहले से काफ़ी सुधारा है। क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों द्वारा इनकी सजावट और साफ सफाई का जिम्मा उठाकर इनका स्वरूप ही बदल दिया गया। लगातार स्वच्छता में नंबर वन बनने के बाद इंदौर अब पांचवीं बार स्वच्छता का पंच लगाने के लिए तैयार है। बैकलाइनों की साफ सफाई और इनकी साज सज्जा के काम में स्वयंसेवी संगठन और शहरवासी भी मिलकर सामने आ रहे हैं। नगर निगम ने रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित एक कार्यक्रम में 113 बैकलाइनों का शुभारंभ किया। यहां देखने वाली बात यह हो गई कि इन बैकलाइनों की देखभाल आगे किस तरह से की जाती है। सपोर्ट करके इसका माध्यम बन के बैकलाइन को साफ कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ यहाँ पे इस वार्ड में, तो जहाँ माइनस पॉइंट लग रहा है और जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा कि जनता और कर्मचारी के बीच में, अगर जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा वो मैं मेरे माध्यम से कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद जहाँ भी डिफ़िकल्टीज होती है तो हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करके जो भी हल हो सकता है वो निकाल रहे हैं। कितनी बैकलाइन अभी तक आप लोग साफ कर चुके हैं और आगे कितनी आप लोगों को लगता है कि हम आगे और ये काम करने वाले हैं?
अभी तक फिलहाल में 5 से 6 बैकलाइन हो चुके हैं कंप्लीट लवकुश में ई सेक्टर में, और बाकी की 10 की और प्लानिंग चल रही है जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।